आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनाथ होकर भी विपरीत परिस्थितियों में बने डॉक्टर, पहली तनख्वाह की गरीब बच्चों के लिए दान। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार मीना की। यह उस युवा का नाम है जिसने जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों को मात देकर सफलता की इबारत लिखी और अपनी पहली तनख्वाह सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा संचालित उत्तान कोचिंग संस्थान सरमतना में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए दान की है। डॉक्टर मनोज मीना की जीवनी अपने आप में एक सफलतम संघर्ष की दास्ता है। मनोज का जन्म सरमतना करौली डांग क्षेत्र के एक पथरीली फटार की चोटी पर बसे छोटे से गांव भूरे का पुरा के एक गरीब मजदूर किसान स्वर्गीय राम गोपाल मीना के घर में हुआ था। इस क्षेत्र में रोजी रोटी का एकमात्र साधन खनन कार्य है, इसलिए मनोज के पिताजी खनन मिस्त्री होने से सिल्कोसिस बीमारी के शिकार हो गए। उस वक्त मनोज की उम्र लगभग 8 वर्ष रही होगी। अब एक लाचार बेवा माँ पर इस नन्ही सी जिंदगी और 2 बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। मनोज के पिता 3 भाई थे, जिनमें से ताऊ पूर्व में ही सिल्कोसिस दैत्य के शिकार हो गए। अब तीनों परिवारों के जीवन निर्वाह का भार मनोज के चाचा रमेश चंद को उठाने पर अनायासी विवश होना पड़ा। हम सोच सकते हैं कि ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटाना आसान काम नहीं रहा होगा। हालांकि मनोज बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र रहे, अतः हृदय विदारक दुखों और पहाड़ों जैसी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी पथरीली चट्टानों की तरह आत्मीय भावनाओं पर पत्थर रखकर इरादों पर अडिग हो अपने चाचा रमेश चंद के ख्वाहों को पूरा करने के लिए जिंदगी के तमाम अवरोधकों को चकनाचूर करते अपनी मंजिल को हासिल किया है, जो वर्तमान में सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में मेडिकल विभाग में डॉक्टर के पद पर प्रतिस्थापित हुए हैं। डॉक्टर मनोज का कहना है कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं सार्थक कर्म भी जरूरी हैं। सीढ़ियों को देखते रहना पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। ईश्वर ने मुझे एक अनाथ परिवार दिया और मेरी जिंदगी को यतीम की सौगात, लेकिन उसी रब ने मुझे यतीम की पतवार एक नेक व रहम दिल इंसान मेरे चाचा रमेश के हाथों में खेवन के लिए सौंप दी तथा मैंने भी अपने कष्टों को कर्म की धारा में पिरोकर मुकाम हासिल करने का लक्ष्य साधा। जन आक्रोश यात्रा में सांसद ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरी ने आज शनिवार को धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा की ग्राम पंचायत बागधर में जन आक्रोश यात्रा के तहत आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद डॉक्टर राजौरी ने इस दौरान बताया कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार पूरी तरह से नकारा और निकम्मी है, इससे ना तो शासन किया जा रहा है और ना ही ये आमजन को चैन से जीने दे रही है। इस प्रदेश सरकार ने नेताओं और अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। इंडौन में दूषित पानी की सप्लाई के चलते लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यह भी इसकी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ही है कि इस कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश में आए दिन गैंगवार हो रहे हैं और गुंडा राज का दौर वापस आ गया है। वह दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व विधायक बशेड़ी रानी सिलोटिया, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, मंडल अध्यक्ष बशेड़ी भैरव सिंह परमार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया आदि मौजूद रही। कथित मोबाइल चोरी को लेकर पथराव फायरिंग, गोली लगने से युवती घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के परसौदा गांव में शनिवार को कथित मोबाइल चोरी के आरोप को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर पथराव और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवती के पैर में गोली लगी है जिससे वह घायल हो गई। वहीं 2 लोग पथराव में हल्के घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आरोपी पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही फायरिंग के बाद गांव में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। गोली लगने से 18 वर्षीय अंजलि पुत्री पप्पी सिंह घायल हुई है। युवती अंजलि के परिजनों ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले बैजनाथ का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसका आरोप बैजनाथ के परिजनों ने युवती के परिजनों पर लगा दिया। शनिवार सुबह के पैर युवती के भाई जब खेतों की ओर जा रहे थे, तब बैजनाथ के परिवार वालों ने रास्ता रोककर झगड़ा शुरू कर दिया,
झगड़ा करने के बाद जब युवती के परिजन बैजनाथ के घर उलाना देकर वापस लौटे तो दूसरे पक्ष के दर्जन भर लोगों ने उनके घर हमला बोल दिया। दूसरे पक्ष द्वारा किए गए पथराव और फायरिंग में छत पर खड़ी युवती के पैर में गोली लग गई, जबकि युवती का पिता और भाई पथराव में घायल और चोटिल हो गया। पुलिस ने युवती के पर्चा बयान लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप गोली चलाई है हमारे घर वालों के घर पे आके। रामबरन ने जो पुलिस में है आया है वो, और सना बिजेंद्र सिंह मैं हिमाचल, मेरी बहन के पैर में गोली लगी है, ये समस्या है। और घर वालों क्या रंजिश, क्या थी रंजिश? कुछ नहीं, पता ही नहीं है उनकी क्या रंजिश है, हमें कुछ मालूम नहीं। घर पे घुस के आए, हम तो अपने काम में बिजी थे और इसलिए। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। राजवीर सिंह, रामबरन और रामबरन के लड़के राजवीर, भूरा अध्यापक और नरेश और उनके परिवार के कुछ बाकी। तय समय बाद शराब की दुकान खोले तो पुलिस को भेजे फोटो। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह की नई पहल। धौलपुर जिले में रात्रि 8 बजे के बाद अगर शराब की दुकान खुली दिखे तो आमजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर दुकान की फोटो और लोकेशन व्हाट्सएप करें। फोटो भेजने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों की पालना में धौलपुर जिले में रात्रि 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली नहीं मिलने के संबंध में सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक ने आम जन के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764511201 जारी करते हुए अपील की है कि धौलपुर जिले में रात्रि 8 बजे कहीं भी शराब की दुकान खुली दिखे या दुकान बंद होने के बाद अन्य किसी वैकल्पिक दरवाजे या खिड़की से शराब की बिक्री करता दिखे तो उस दुकान के फोटो व लोकेशन व्हाट्सएप करें। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एसपी ने बताया कि जिले में 8 बजे बाद शराब की दुकानों से बिक्री होना पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 19 वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ आईवीएफ द्वारा आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक, आईवीएफ की बार बार विफलता, पीसीओडी, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श। जांचों और आईवीएफ पैकेज पर 20% की छूट। 11 दिसंबर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गौरी फार्मेसी, गौरव पथ, घंटाघर के पास, धौलपुर में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लिप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। DPL क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ियों का ऑप्शन रविवार को। सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह चौधरी ने किया पोस्टर का विमोचन। धौलपुर जिले में पहली बार DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को ऑक्शन कर खरीदे जाएंगे। शनिवार को DPL क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर का विमोचन नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में यह प्रतियोगिता पहली बार कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों की प्रतिभा सभी के सामने आएगी, साथ ही उनमें खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। कमेटी अध्यक्ष सतपाल धालीवाल ने बताया कि DPL के खिलाड़ियों का ऑक्शन रविवार को हिना रिसोर्स सैंपुर रोड धौलपुर पर होगा। इनकी बेस प्राइस की बोली डमी होगी। पोस्टर विमोचन के समय 10 टीमों के मालिक और DPL कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। PG कॉलेज में सूचना का अधिकार विषय पर संगोष्ठी आयोजित।
राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विश्व मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत सूचना के अधिकार के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता प्रशांत उंडावाल प्रिंस ने छात्र छात्राओं को सूचना के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 15 जून 2005 को पहली बार प्रस्तावित RTI जो 12 अक्टूबर को प्रभावी रूप से लागू हुआ, जिसके अंतर्गत आम व्यक्ति को एक विधानमंडल के सदस्यों के समान प्रत्येक सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर संबंधित सरकारी विभाग में RTI कैसे लगानी है, अपील कैसे करनी है तथा सूचना न मिलने पर 250 से 25,000 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य SK जैन ने सभी संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को वह मुक्त भूख मुक्त सम्मान युक्त जीवन जीने का अधिकार है। कन्या महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर MK सिंह ने बताया कि मानवीय अधिकारों के साथ साथ उसके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन की भी आवश्यकता है। इस अवसर पर किशोर कुमार शर्मा ने कहा कि RTI वो हथियार है जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति देश समाज हित के लिए सभी सरकारी संस्थानों विभागों से अपने छोटे से छोटे अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध हासिल कर सकता है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अनुज कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर NSS प्रभारी डॉक्टर अमजद फातमी, डॉक्टर अंजुल सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, डॉक्टर रीता देवी, डॉक्टर सौरभ शर्मा, अर्चना वान, छात्र संघ अध्यक्ष सोनू गुर्जर आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो साहब जैन साहब, थैंकिंग सर, आदमी सर, अनुज सर, मैडम, सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सानिध्य में मेरे को बोलने का मौका मिला है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के श्रीवान गुर्जर फिर बने जिलाध्यक्ष। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला धौलपुर की जिला कार्यकारिणी के चुनाव पंचायत समिति धौलपुर में पर्यवेक्षक व जिला अध्यक्ष करौली शैलेंद्र सिंह एवं चुनाव अधिकारी नेम सिंह मीणा जिला मंत्री करौली की देखरेख में निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें श्रीवान सिंह गुर्जर द्वारा धौलपुर जिले के जिला अध्यक्ष चुने गए। वहीं सुशील भारद्वाज द्वारा जिला मंत्री चुने गए। इसके अलावा कृष्ण तोमर प्रदेश प्रतिनिधि, राम गोपाल जाट जिला उपाध्यक्ष, महेश सोनी जिला कोषाध्यक्ष, ब्रज किशोर शर्मा संयुक्त मंत्री, अशोक यादव संगठन मंत्री, विनोद शर्मा जिला मंत्री IT चुने गए। निर्वाचित जिला अध्यक्ष ने कहा कि समस्त साथियों ने द्वारा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, इस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, किसी भी साथी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा, साथियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस अवसर पर सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। निसंतान दंपतियों के लिए रविवार को लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। मातृत्व को समर्पित नीलकंठ IVF हॉस्पिटल जयपुर की ओर से 11 दिसंबर रविवार को धौलपुर में एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निसंतान पति पत्नी को मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हमारा अस्पताल पिछले 19 वर्षों से निसंतान दंपत्ति को IVF तथा विशेष तकनीकी से संतान सुख प्राप्त कराने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अब तक अस्पताल ने बड़ी संख्या में माताओं को इलाज कर उन्हें मातृत्व सुख प्रदान कराया है। जानकारी के अनुसार ये शिविर 11 दिसंबर 2022 रविवार को गौरी फार्मेसी गौरवपथ घंटाघर के पास धौलपुर में लगेगा। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। शिविर में जयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श लेने के लिए मोबाइल नंबर 9529-9142 पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माँ भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24x7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व ICU की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें माँ भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजा खेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर, कॉलोनी धौलपुर। खेत के विवाद में डैड को मारी गोली। धौलपुर जिले की द्योली थाना क्षेत्र के कटमरी गांव में खेत के विवाद को लेकर एक अधेड को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसमें हाथ में गोली लगने से अधेड घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घायल 50 वर्षीय सोवरन पुत्र कोक सिंह निवासी कटमरी ने बताया कि उसका 2.5 बीघा खेत गुरैया खेड़ा गाँव में मौजूद है, जिस पर गुरैया खेड़ा गाँव के पप्पू पुत्र नियाल सिंह और गब्बर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर उनका कई दिनों से विवाद चल रहा है। घायल ने बताया कि शुक्रवार शाम को वह गाय भगाने के लिए खेत पर गया, जहां बाइक पर पप्पू और उसके दो साथी आ गए, जिन्होंने गोली मार दी। इसी दौरान मौके से निकल रही गायों के बीच होकर अधेड़ जैसे तैसे घर पहुंच गया, जहां से परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करा दिया। घटना को लेकर द्योली थाना पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम सुब्रत सिंह है, गांव कसुमरी। मैं अपने खेत पर गया था, वहां पप्पू ने गोली मार दी। मानव अधिकार दिवस पर प्रबुद्धजन विचार गोष्ठी आयोजित। मानव अधिकार व्यक्ति को सभ्य एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देते हैं। ADJ सुनीता मीणा। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर के तत्वावधान में प्रबुद्धजन विचार गोष्ठी का आयोजन विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आज शनिवार को तिब्बत मार्केट धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एवं ADJ सुनीता मीणा रही। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम शर्मा, विभाग प्रमुख भरतपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास संरक्षक तिब्बत संघ, दुष्यंत शर्मा प्रांत महामंत्री भारत तिब्बत संघ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के धौलपुर जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने की। मंच का संचालन वक्ता अभिनव सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय धौलपुर एवं जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक जयपुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनीता मीणा ने कहा कि मानव अधिकार व्यक्ति को सभ्य एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देते हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानव अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, यह केवल सनातन धर्म व भारत देश ही चाहता है। सबको उनके अधिकार मिलें, यह भारत देश ही सभी के लिए चाहता है। भारत ने हमेशा शरणागत की रक्षा की है, तिब्बत तो हमारा अपना ही है। अध्यक्षता करते हुए केशव सक्सेना ने भारत तिब्बत संघ का परिचय देते हुए कहा कि तिब्बत की आज़ादी, देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर जब तक मुक्त नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वक्ता प्रणब मुखर्जी, पूर्व सैनिक, ने कहा कि आज मानव अधिकार दिवस है और ऐसे मौके पर तिब्बत की बात ना हो तो अतिशयोक्ति होगी। वक्ता राकेश शर्मा ने बताया कि भारत जितना सशक्त रहेगा उतना ही मानव अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मंच संचालक अभिनव सिंह ने कहा कि मानव अधिकार नया विजन है। धौलपुर के शहर काजी मतीम खान गौरी ने कहा कि हमें तिब्बत तिब्बतियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। तिब्बती मार्केट प्रधान सेवांग दोजी ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जयपुर रैली को लेकर आंगनवाड़ी की छात्राओं की बैठक संपन्न। आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की बैठक स्वास्थ्य पार्क धौलपुर में हुई, जिसमें छात्राओं की बैठक लेते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल एवं प्रभारी महेंद्र गुर्जर ने 16 दिसंबर को जयपुर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को जयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों एवं छात्राओं का अपनी मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन व रैली है।
सरिता बंसल को सभी ने भरोसा दिलाया कि हम अपनी अलग से बस करके आपके साथ जयपुर के लिए रवाना होंगे। मेरा नाम मिथिलेश शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत पानी चामी की साथी के पद पर कार्य करती हूँ और आज यहाँ पार्क में मैंने सभी साथियों को इकट्ठा किया है, जिसमें 16 दिसंबर को जयपुर में धरना प्रदर्शन के लिए सबसे बातचीत की और हमारी सरकार से जो दो तीन मांगे हैं, एक तो हमको परमानेंट करें, जब तक परमानेंट नहीं करते तब तक 18,000 मानदेय होना चाहिए और जैसे हमारी कार्यकर्ता बहनों को मोबाइल दिया गया इसी तरह हमारी पंचायत में साथियों का पद देकर पूरी पंचायत का कार्य करती है तो हमको भी कार्यकर्ता बहनों की तरह मोबाइल दिलाया जाए। मेरा नाम सरिता है, मैं गांव से राजनगला से रहने वाली हूँ, जीलरा में जॉब करती हूँ साथियों के पद पर। हमारी ये मांग है कि 16 तारीख का जयपुर में धरना है, वहाँ हमारी मांगें होंगी, हमें कार्यकर्ता की तरह मोबाइल दिया जाए, हमारा 18,000 मानदेय बढ़ाया जाए और हमें जैसे कार्यकर्ता को सहायिका को सहयोगिनी को शीतकाल की छुट्टियाँ मिलती हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए। नर्सरी LKG और UKG की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। राजकीय विद्यालयों में अब निजी विद्यालयों की तरह बच्चों के लिए नर्सरी LKG एवं UKG की पढ़ाई शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं यानी बाल वाटिका में प्रवेश के लिए 15 दिसंबर तक बच्चों के आवेदन इच्छुक व्यक्तियों परिजनों से मांगे गए हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुरानी छावनी के सहायक प्रशासनिक अधिकारी बाल किशन यादव के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों जिनकी उम्र 3 वर्ष है उन्हें नर्सरी में, जिनकी उम्र 4 वर्ष है उन्हें LKG में तथा जिनकी उम्र 5 वर्ष है उन्हें UKG में पुरानी छावनी विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हैं। आयु की गणना 31 मार्च 2022 को आधार मानकर की जाएगी। प्रत्येक कक्षा में 25-25 सीट उपलब्ध रहेंगी। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हक लाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जाँच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें, ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने घंटाघर रोड धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह TV हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम, अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड बिजली घर के सामने धौलपुर। हैप्पी बर्थडे सुशील पचौरी। अनिल शर्मा व धीरेंद्र प्रधान जी करका खेरली वालों की तरफ से अपने दोस्त सुशील पचौरी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रभु की कृपा से आप सदैव स्वस्थ, मस्त एवं प्रसन्न बने रहें। भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धीरेंद्र प्रधान जी की तरफ से सभी दोस्तों के लिए आगरा ताज हाइट्स होटल में शाम 7 बजे कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भाजपा समर्थकों ने तस्सीमों में मनाया जश्न। गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की 156 सीट आने पर सैपो इलाके के तस्सीमों कस्बे के फौजी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर जश्न मनाया। फौजी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।
वहीं समर्थकों ने जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। 2022 के विधानसभा चुनाव गुजरात में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनकी एवज में आज यहाँ ग्राम पंचायत तसीबों में भारी एक दूसरे को खुशियाँ मना रहे, मिठाई खिलाकर खुशियाँ बना रहे। बाजार से सब्जी लेने गई विवाहिता हुई गायब। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मास्टर कॉलोनी से एक विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित पति द्वारा कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि विवाहिता 4 दिसंबर को घर से बाजार में सब्जी लेने गई थी, जो वापस नहीं लौटी। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि मास्टर कॉलोनी निवासी पीड़ित मोहर सिंह कुशवाहा ने एक FIR कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी 4 दिसंबर को बाजार में सब्जी लेने गई थी, जहां से वापस नहीं लौटी तो पीड़ित पति द्वारा अपनी पत्नी की रिश्तेदारी सहित तमाम जगहों पर तलाश की गई, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी है। ऐसे में पीड़ित पति द्वारा मामले को लेकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। कोतवाली SHO महेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा मामले की FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला का गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर पीड़ित पति मोहर सिंह कुशवाहा ने बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करता है और 4 दिसंबर को भी अपने खेत पर काम करने गया था। इस दौरान उसकी पत्नी गुड्डी बाजार में सब्जी लेने पड़ोसियों से कहकर गई थी, जो देर शाम तक वापस नहीं आई तो उसने तलाश की, इधर उधर भी उसकी खोजबीन की, रिश्तेदारी में भी पता लगाया, लोगों से भी जानकारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। ऐसे में पुलिस में रिपोर्ट कराई गई है। कुशवाहा निवासी मास्टर कॉलोनी बाड़ी ने कल MPR दर्ज कराई है कि मेरी पत्नी दिनांक 4/22 को घर से बिना बताए बाजार जाने की कहकर के चली गई है। इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और तलाश जारी है। विचार गोष्ठी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय बछड़ी में आज शनिवार को NSS इकाई प्रथम द्वारा मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही चित्रकला विभाग द्वारा एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। संयोजक प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। महाविद्यालय प्राचार्य सतीश तिरुंगरायत ने, डॉक्टर योगेंद्र कुमार, पवन कुमार प्रजापति ने कर्तव्य और मानवाधिकार पर छात्र छात्राओं को विस्तार से समझाया। चित्रकला विभाग की सहायक आचार्य उज्मा तबसुम के निर्देशन में एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तत्पराम प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में निर्णायक मंडल में डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह एवं डॉक्टर आरती सोनी रहीं। प्रदर्शनी में प्रथम दया ग्रुप एवं द्वितीय सुगरवती रहीं। इस अवसर पर सहायक आचार्य डॉक्टर नवीन यादव, कनिष्ठ लिपिक जय हरजाई आदि उपस्थित रहे। भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान को लेकर चलाया अभियान। पूरे प्रदेश में भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान अभियान का प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए राजस्थान को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे लेकर धौलपुर भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जिला कलेक्टर के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस, रेलवे पुलिस, नगर पालिका ने रात्रि में भिक्षावृत्ति में लिप्त 29 व्यक्ति का रेस्क्यू करके उन्हें नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे में लाया गया। यहां पर रात्रि में उन्हें विश्राम करवाया गया। सुबह वहां मौजूद लोगों की शेविंग व कटिंग करवाने के बाद उन्हें नहाने धोने के लिए साफ वस्त्र आदि प्रदान किए गए। मेडिकल टीम से इनकी जांच करवाई गई एवं जांच के पश्चात 2 मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों को सहायता के लिए मनोचिकित्सक के पास भी भिजवाया गया। बाल संप्रेषण गृह धौलपुर के अधीक्षक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि महाराष्ट्र निवासी सुशीला और मुरैना निवासी रमा शंकर को समाज कल्याण की योजनाओं से जोड़ते हुए पेंशन वगैरह दिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा शंकर। अच्छा, भक्तला हमको लेके आए थे, यहाँ पर सभी सेवा करी थी, भोजन पाए थे प्रेम से, और संत का
कल्याण, सभी समाज का कल्याण, सुविधाएं रहने की, सभी विस्तार नहाने की, धोने की, पानी की, हमको अच्छा लग रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर पूरे राजस्थान में भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हमने विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कल रात और आज सुबह तक हम 30 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ इन्हें रहने खाने वस्त्र आदि का प्रबंध किया गया है। आज सुबह जो लोग हमें यहाँ पर मिले उनकी कटिंग शेविंग आदि का बंदोबस्त करके इनके जो आधार जनाधार से इनकी पहचान करके इनका वृद्धाश्रमों में निवास करवाया जाना, अपना घर में इन्हें पहुँचाया जाना सुनिश्चित करेंगे और इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा 26 जनवरी 2023 तक हम भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिस आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसौरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली घंटाघर के पास, धौलपुर। किसान गजना रैली को लेकर गांव में किया जनसंपर्क। भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गजना रैली का 19 दिसंबर को आयोजन किया जाएगा। इस रैली में देश भर के लाखों किसान एकत्रित होंगे। किसान संघ के आह्वान पर राजाखेड़ा क्षेत्र के भी किसान इस किसान गजना रैली में सम्मिलित होंगे। इसके लिए आज शनिवार को भारतीय किसान संघ के प्रांतीय युवा प्रमुख राजीव दीक्षित एवं महिला प्रमुख मंजू, प्रांतीय उपाध्यक्ष नती सिंह द्वारा राजाखेड़ा ब्लॉक के विभिन्न गांव में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली दिल्ली में जाने के लिए किसानों से जनसंपर्क किया गया, जिसमें किसान संगठन अध्यक्ष हरिओम शर्मा, जिला महिला प्रमुख जूली शर्मा, राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राम निवास त्यागी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यप्रकाश त्यागी आदि मौजूद रहे। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली बालिकाओं को किया सम्मानित। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली की उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन एवं जिला विजेता बालिकाओं को विद्यालय परिवार ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका सुनीता शर्मा ने बताया कि छात्रा सौम्या शर्मा अंडर 19 बैडमिंटन में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में धौलपुर की तरफ से भाग लिया था। अभी हाल ही में जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय की बालिका संजना, विष्णा, गिरजेश, भारती, शिवानी, कविता और बबिता ने एथलेटिक्स में जिला स्तरीय विजेता का खिताब अपने नाम किया था। इसी प्रकार विद्यालय की छात्रा मुस्कान, राजेश्वरी और शिवानी ने कैरम का जिला स्तरीय खिताब जीता। विद्यालय के प्राचार्य रोहित विष्ट ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विद्यालयों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस प्रतिभाओं को तराशने की आवश्यकता है। इस अवसर पर ग्रामीण अभय राणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं सीमित संसाधनों से निखर कर आती हैं, हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका सुनीता शर्मा ने बताया कि वह जिला स्तर की आत्मरक्षा की प्रशिक्षक है जो 10 सालों से प्रशिक्षण दे रही हैं और हजारों शिक्षिकाओं और बालिकाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ ग्रामीण हरविंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, पप्पू हिंदुस्तानी, अमित सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। धौलपुर स्टेशन से बांग्लादेश के लिए 6वीं रेक को किया लोड। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल द्वारा डी ऑयल कॉक्स के परिवहन के लिए धौलपुर स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन के मध्य 6वीं रैंक का संचालन उत्तर मध्य रेलवे ने गतिशीलता की अपनी पहचान को बनाए रखा है, जिसके तहत आगरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक स्वरूप के निर्देशन में आज शनिवार को मंडल द्वारा माल यातायात बढ़ाए जाने के प्रयासों के क्रम में मंडल के धौलपुर स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन के लिए डी ऑयल कॉक्स का 6वीं रैक लोड की गई।
जिसमें 42 वैगन की मालगाड़ी में कुल 2481.50 टन डी ऑयल कॉक्स को आरके एंटरप्राइजेज कोलकाता द्वारा लोड किया गया, जिससे आगरा मंडल को लगभग 65 लाख रुपए की राजस्व आय अर्जित हुई, जिसमें वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के द्वारा आरके एंटरप्राइजेज कोलकाता से सफल समन्वय के कारण ही यह उपलब्धि हो सकी है। उत्तर मध्य विभिन्न हितधारकों, किसानों, राज्य की एजेंसियों के परामर्श से यह प्रयास कर रही है कि उनकी उपज को पूरे भारत की मंडियों तक ले जाने की जरूरतों की पहचान की जा सके, ताकि उन्हें कई अन्य बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक ए.एन. मिश्रा एवं मंडल वाणिज्य निरीक्षक धौलपुर आर.सी. मीना उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।